नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि वासनानी। बड़ा अपडेट आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ, अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर। बेल ऑर्डर पर ASG ने सवाल उठाए हैं, अरविंद केजरीवाल के बेल ऑर्डर पर ASG ने कहा है कि हमने प्रत्यक्ष सबूत दिए। तो कोर्ट ने कहा कि प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, ASG की तरफ से कहा गया कि हमने सबूत दिए हैं, फैसला दे, लेकिन गलत तथ्य नहीं होने चाहिए कोर्ट पे पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था ED ने सबूत नहीं दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ASG ने हाई कोर्ट में बताया है कि हमने तथ्य दिए हैं। जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत दिलचस्प बहस एक तरह से सुनवाई के माध्यम से सामने आ रही कोर्ट में, लेकिन अभी भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा प्रश्न है कि क्या केजरीवाल आज रिहा हो पाएंगे। बहरहाल, इस सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी बातें हैं। ASG ने विरोध किया है केजरीवाल की जमानत का। जी बिल्कुल, देखिए ASG SV राजू ने साफ तौर पर अदालत में कहा कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है वो कहीं ना कहीं अगर उसमें कहा जाए तो उसमें काफी त्रुटियां हैं, क्योंकि उसमें ASG SV राजू ने कहा कि दरअसल अदालत ने ईडी का पक्ष नहीं सुना है, अदालत को ईडी का पूरा पक्ष सुन लेना चाहिए था। साफ तौर पर अदालत के सामने ईडी ने कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। सबूतों की जो कड़ियां थी वो अदालत के सामने पेश की गई, उन पर सवाल खड़े कर दिए गए। जो बयान थे इस दौरान सरकारी गवाहों के, उन पर सवाल खड़े कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं SV राजू पूरे तरीके से नाखुश लोअर कोर्ट के आदेश पर दिखाई दिए और उन्हीं पर सवाल खड़े करते हुए इस वक्त हाई कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। खास दलील SV राजू की तरफ से भी ये दी गई कि दरअसल जो 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई है, SV राजू का कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल दो तरीके से उनके ऊपर PMLA का मुकदमा है। एक तो यानी कि निजी रूप से, जो कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद इस तरीके का पूरा घोटाला हुआ, उसमें उनकी मिलीभगत है। दूसरा, आम आदमी पार्टी इस पूरे घोटाले में इन्वॉल्व है और आम आदमी पार्टी के संरक्षक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो PMLA की धारा 70 जो सेक्शन 70 है उसका हवाला देते हुए ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी भी आरोपी है, क्योंकि पूरा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया रिश्वत का। इलेक्शन का जो पूरा खर्चा था गोवा का, वो इसी फंड में से इस्तेमाल किया गया, यानी कि रिश्वत का वो पैसा था। उस पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दोहरी जिम्मेदारी होती है और दोहरा आरोप उनके ऊपर है, एक तो निजी रूप से और एक पार्टी के संरक्षक होने के नाते। तो ये बड़ी दलीलें फिलहाल ईडी की तरफ से इस वक्त कोर्ट के अंदर रखी जा रही हैं। बिल्कुल, बड़ी दलील आप बता रहे हैं कि जो कोर्ट के भीतर रखी जा रही है। ASG की तरफ से ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल दो मामलों में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के दोनों मामले हैं, उसमें दोषी है। और रिश्वत केस में एक और बड़ी खबर आ रही है, रिश्वत केस में आम आदमी पार्टी भी आरोपी है, ये ईडी का कहना है कोर्ट में। रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया, ये भी ईडी का कहना है। तो देखिए, ईडी पहले दिन से बड़े आरोप लगा रही है और अब आम आदमी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी रिश्वत केस में आरोपी है, ये ईडी ने एक बार फिर से दोहराया है। इससे पहले भी ईडी की तरफ से दलीलें दी गई हैं, लेकिन अभी ताजा दलील जो सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें बेल ऑर्डर पर ASG की तरफ से सवाल उठाए गए और साथ ही कहा गया, जितेंद्र बहुत बड़ी बात कह दी कि रिश्वत का पैसा, जितना भी पैसा रिश्वत में मिला या करप्शन में मिला, वो आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स में गया है। पूरी की पूरी पार्टी इस मामले में रिश्वतखोरी के इल्जाम लग रहे हैं पार्टी पर। जी बिल्कुल, देखिए ईडी शुरुआत से लगातार अदालत के अंदर कहती आ रही है, जो रिश्वत का पूरा पैसा था इस पूरे आबकारी घोटाले के अंदर, वो पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया और उसका इस्तेमाल बकायदा गोवा इलेक्शन को लड़ने के अंदर किया गया। इसके अलावा अन्य खर्चे भी आम आदमी पार्टी के उसी रिश्वत के पैसे से किए गए। तो ऐसे में PMLA की जो धारा है 70, उसका इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। और इसी दलील का हवाला इस वक्त आम आदमी जो ईडी के जो वकील हैं, जो ASG है, अटर्नी सॉलिसिटर जनरल SV राजू, वो हाई कोर्ट के अंदर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर बताया, क्योंकि PMLA की धारा 70 ये कहती है कि अगर किसी कंपनी से जुड़ा कोई भी अधिकारी अगर कोई घोटाला करता है तो कंपनी भी उस पूरे घोटाले के अंदर आरोपी मानी जाएगी। तो ऐसे में अगर पार्टी के नेताओं ने घोटाला करा है तो आम आदमी पार्टी एक कंपनी होने के नाते इस पूरे मामले में आरोपी मानी जाएगी। और इसमें तो खास तौर पर जांच के दौरान ये सामने आ चुका है कि जो रिश्वत का पूरा पैसा था वो पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया।
गया और उसी का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ लोबी की तरफ से आई थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे कैंपेन के दौरान। तो ऐसे में पार्टी को भी आरोपी बनाना चाहिए और ऐसे में अरविंद केजरीवाल दो तरीके से इसमें फंसते हैं। एक तो निजी तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्वीकृति थी इस पूरी आबकारी नीति को बनाने में उस घोटाले के अंदर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिसका इस्तेमाल जो प्रोसीडिंग ऑफ मनी है वो सीधा जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ती है, तो ऐसे में संरक्षक होने के नाते पार्टी के, तो वो उनकी दोहरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं दो तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में आरोपी हैं, तो ऐसे में उन्हें जमानत देना कतई सही नहीं होगा। ये फिलहाल ईडी की तरफ से एएसजी जो एसवी राजू है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं हाई कोर्ट में। नजर बना के रखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट के भीतर सुनवाई चल रही है इसमें बड़ी दलीलें आ रही है। अब जब तक सुनवाई नहीं खत्म हो जाती तब तक ये पता नहीं लग पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर अभी इस सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे।